नु बोला रे ओ रत बणी ओ रा भोग की वस्तु भाई रे ओ रत बणी ओ रा भोग की वस्तु ढंग देख्या दुनिया सारी का जे हो भाई नरक में बसा हुआ करे जहां कि जहाँ जिस घर में नारी की पूजा होती है वहाँ देवता स्थान क्या करते हैं। और प्रेमी साथियों कि जिस घर में कोई लड़की जन्म ले लेती है तो पूरा परिवार रंज फिकर में डूब जाता है और उस परमपिता परमात्मा को दोषी ठहराते हैं। हे परमपिता परमात्मा, आज हमारे घर में इस बेटी को जन्म न दे के अगर एक बेटा पैदा होता तो काश कितना अच्छा होता। सदनों, औरों की तो बात बहुत दूर है, खुद उस बच्ची को जन्म देने वाली माँ इस बात को सोच के दुखी हो जाती है कि काश आज मेरे लड़का होता तो क्या होता। क्या बताया मात पिता को शादी की चिंता दिन रात सतावे। फिर मात पिता को शादी की चिंता दिन रात सतावे। भाई बहुत पड़े धक्के खाने कहीं जब जाके वर पावे। दहेज का लोभी दहेज का
लो फिर बेटे वाला एक लंबी लिस्ट बनावे लड़के वाला लंबी लिस्ट बनावे देख खता कौन सी बेटी की रखो आए खता कौन सी बेटी की हमारे ऐसा समय चल रहा है कि जो बेटे का पिता होता है बहुत दहेज का लोभी होता है और दहेज के लोभ में आके जब वो लड़की विवाह के पश्चात शादी होने के बाद ससुराल पहुंच जाती है तो वहां क्या घटना घटती है भेड़ दिया मारे ताड़ा सास ससुर तन्ने मारे मारे भेड़ दिया मैंने ताड़ा मेरा घर से बाहर निकल जाइए कहीं करके तुम काड़ा कहता है कि घर से बाहर निकल जाइए कहीं करके तुम काड़ा दिखे घर से बाहर निकल जाइए कहीं करके तुम काड़ा किस तैक है घर से बेघर हो जाती रहो घर से बेघर हो जाती रहो घर से बाहर निकल जाइए तेरे बाप ने कुछ नहीं दिया और घर से बेघर हो जाती है उस समय में उस लड़की की पुकार सुनने वाला कोई नहीं होता सजनों और क्या बताया लास्ट बात में कवि ने बिल्कुल भी ना I'm gonna make it right.